हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं अपनी किया सेल्टोस को लेके जा रहा हूँ थर्ड सर्विस करवाने, जो कि 10,000 पे होती है। तो 13 किलोमीटर चल चुकी है, ज़्यादा मतलब 113 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो दिखाऊंगा भाई आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ पहले कार आप लोग को। कार की अगर बात करें तो भाई कार जो है पूरी गंदी हो चुकी है। तो भाई थर्ड सर्विस है, इसमें दोस्तों ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा मतलब कि, और एयर फिल्टर चेंज होगा। ये तीन चीज़ें मैं चेंज करवाने वाला हूँ और दूसरा कोई ख़र्चा नहीं करवाऊँगा। वो लोग बोलेंगे लेकिन मैं नहीं करवाऊँगा, तो जाके देखते हैं कि क्या कितनी कॉस्ट आती है। तो भाई चलो जाते हैं। तो पहले जो है फ्यूल डलवा लेता हूँ मैं कार में, क्योंकि भाई देखो लो फ्यूल, ये पेट्रोल वेरिएंट है दोस्तों। तो देखेंगे कि डीजल का तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन पेट्रोल में देखेंगे दोस्तों आज की कितनी हम लोग को कॉस्ट आती है, मतलब कि सर्विस कॉस्ट कितनी आती है वो आज देखेंगे भाई पेट्रोल में। तो भाई सीट बेल्ट पहनने की मेरी आदत नहीं है, इसीलिए वजह से दोस्तों ये जो है कब से ये बीप 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 कर रहा है, लेकिन भाई मेरी आदत नहीं है सीट बेल्ट पहनने की, तो मैं नहीं पहनता दोस्तों। पहले जाके दोस्तों जो है हम तेल डलवाते हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में तेल है ही नहीं, 45 किलोमीटर चलेगी बस। और यहाँ से अगर मैं सर्विस सेंटर की बात करूँ तो यहाँ से भाई 6-7 किलोमीटर है सर्विस सेंटर दूर मेरा किया का। तो देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, ऐसे ही जा रहा हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में। ये रहा भाई नेशनल हाईवे नंबर 848 हो चुका है अभी। तो भाई भाई साहब ये रहा पेट्रोल पंप। मानसून का सीजन चल रहा है तो भाई गाड़ी जो है वापस से गंदी हो ही जाएगी, लेकिन देखते हैं अभी। पाँच सौ काड़ो रिशा है। तेल जो है भाई डलवा लिया है, 500 का डलवाया है भाई। अभी तो भाई गरीबी है तो उसी हिसाब से तो भाई तेल जो है वो डाल रहे हैं हम लोग। लेकिन भाई जल्दी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और भाई जैसे ही चैनल ग्रो होगा तो भाई देखेंगे, फिर फुल टंकी भी करवाएंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो भाई मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, सभी दोस्तों के साथ भीड़ बहुत है। तो भाई आ चुके हैं सर्विस सेंटर किया के, और यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं भाई। हाँ सर्विस है सर। हाँ सर्विस। तो भाई रख देते हैं यहाँ पे। तो भाई गाड़ी तो यहाँ पे रख दी है, अभी देखते हैं कोई आया नहीं है अभी तक। यहाँ पे भाई लोग सब कार रखते हैं ये लोग, और ये रही हमारी कार। हमारी कार जो है वो अंदर चली गई है सर्विस सेंटर में। तो अभी तो दोस्तों देर लगेगी सर्विस होने में, तब तक दोस्तों जो है चाय का मजा लेते हैं। अपनी कार की सर्विस जो है वो चालू हो चुकी है, और मैं उधर गया था तो उधर से मेरे को भगा दिया, बोला कि यहाँ पे सूट नहीं कर सकते। तो वापस से मैं वेटिंग एरिया में बैठ गया हूँ। तो देखते हैं, अभी बोला है कि 12 बजे तक मिल जाएगी कार, तो देखते हैं अभी कितना देर लगती है। अभी तो दोस्तों 10 बजे है, तो 2 घंटा देखते हैं कि 2 घंटे में हमारी कार जो वो तैयार होती है कि नहीं। तो चलिए मिल फ्रेंड्स। किया जो है सर्वो का ऑयल डालती है अपने इंजन में, तो भाई देख लो सर्वो का ऑयल है। अब जो है भाई हमारी कार जो है वॉशिंग में आ चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में वॉशिंग हो जाएगी भाई, और फिर सर्विस वगैरह भाई पास जो है बन जाएगा। फिर यहाँ से भाई धुल के जो है ये लोग यहाँ पे खड़ी कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग को जो है गाड़ी दे देंगे। सो फ्रेंड्स, कार जो है हमारी जो है सर्विस होके आ गई है, और हम अभी घर जा रहे हैं। तो भाई सर्विसिंग की बात करें तो भाई मेरे को इन लोगों का यही बहुत पसंद है। अंदर से भी पूरी जो है कार जो है पॉलिश करके दी है एकदम, इन लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश की है, और
कुछ स्मेल से अच्छी आ रही है, जैसे कि ऑरेंज की दोस्तों जो है इसमें स्मेल आ रही है, लेकिन जो है एकदम बढ़िया स्मेल आ रही है। और क्या बताऊँ, अभी जाते हैं और मैं आप लोग को सर्विस कॉस्ट अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी जो है मैं हाईवे पे हूँ, तो अपने घर वाले रोड पे जो आ जाते हैं, फिर मैं आप लोग को साइड पे कार जो है लगा के दिखाता हूँ कि कितना सर्विस कॉस्ट आया। तो भाई अंदर बाहर से पूरी कार जो है वो जैसे ही हम लोग जब नई शोरूम से लाते हैं वैसी कार करके देते हैं, तो मेरे को किया वालों का ये बहुत अच्छा लगा। तो भाई मैं फुल सेटिस्फाई हूँ, तो चलो मिलते हैं बाद में। अगर भाई मैं चलाने के मामले में बात करूँ तो भाई 1% का भी मेरे को फर्क नहीं लग रहा है। जो सर्विस के पहले लग रही थी वैसी ही दोस्तों अभी भी चल रही है। अभी माइलेज देखेंगे कि माइलेज में कितना इंक्रीज आता है, वो भी मैं दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चलाने के मामले में गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो भाई 1% का भी मेरे को फर्क लग ही नहीं रहा है कि मैंने सर्विस करवाई है। भाई धोने के बाद जो लगती है भाई, हाँ कि गाड़ी अपनी धुल चुकी है, बस वैसा ही लग रहा है। तो ऐसा रहा भाई सर्विस एक्सपीरियंस। तो भाई अभी देखते हैं कि हमारी किया सेल्टॉस कितनी मेंटेनेंस मांगती है, जो कि ये थर्ड सर्विस है। तो भाई यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें चेंज करवाई। यहाँ पे एक जो है एयर फिल्टर, फिर ऑयल, और फिर जो कि ऑयल फिल्टर है। ये 3 चीज़ें आप लोग को चेंज करवानी है। तो यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग मैं बताऊँ तो 252, फिर 31 और 360। यहाँ पे टोटल बिल बना है भाई, यहाँ पे कुछ ये अमाउंट है। फिर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो दूसरी भी मैंने एक चेंज करवाई है, एसी इन्फेक्टेड, जो कि मेरे को ठीक तो नहीं लग रहा था करवाने का, लेकिन मैंने दोस्तों जो है वो करवा लिया। तो उसका दोस्तों जो मेरे को कॉस्ट पड़ा है, लेबर लगा है तो 719 रुपीज़ का। तो यहाँ पे टोटल बिल बना है मेरा, अगर मैं इसको निकाल दूँ एसी डिस इन्फेक्टेड को, तो मेरा बिल बन रहा था 1800 रुपये। लेकिन भाई वो लगा के फिर जो है GST VST लगा के यहाँ पे अगर देखोगे तो 2128 रुपये बन रहा था। ये मैं AC वाला हटा देता हूँ दोस्तों, तो इतना बन रहा था, लेकिन मैंने AC वाला करवाया तो टोटल ये भी ऐड हो गया 849 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल बिल बना है 2978। तो भाई मेरे को तो दोस्तों थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन अगर मैं AC वाला नहीं करवाता तो भाई मेरा टोटल बिल बन रहा था 2128। तो भाई ठीक है, अगर मैं डीजल की कार की बात करूँ तो 25 रुपये में हो जाती है, क्योंकि वो तो डीजल है तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये पेट्रोल है तो ये कम है। तो भाई ठीक ठाक है अभी। तो चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों जो है चैनल को भी दोस्तों जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।